गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, क्लास 11, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्यों स्टार्ट किया गया, नंबर सिस्टम क्या पहले था, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों बनाया गया, क्या रीजन था कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने के पीछे। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, फिर उसके बाद हमने उसके ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये चीजें, या उसकी कितनी पावर आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये चीजें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ी थी। और उसके अंदर हमने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ये सारी चीजें, वो भी दो मेथड से, कि बाय यूजिंग फॉर्मूला या डायरेक्ट मेथड, दोनों से हमने क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा। अब जो सेकेंड एक्सरसाइज है, ठीक है, पोलर फॉर्म, तो वो हमारे सिलेबस से जो पोर्शन है वो डिलीट कर दिया गया है, सेकंड एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में नहीं है। अब आती है बात एक्सरसाइज थर्ड, थर्ड एक्सरसाइज वही है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जो 10th क्लास में पढ़ के आए हैं वही है, बट वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो थी जिसके रियल रूट्स आते थे, यहाँ पे जो रूट आएंगे वो रियल नहीं आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो इमेजिनरी कैसे आएंगे मैं उसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले तो फॉर्मूले को जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, बट उसका एग्जैक्ट अगर नाम ले तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है, उसको एग्जैक्टली हम बात करते हैं तो उसका नाम है श्रीधर आचार्य, बट उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, क्लियर स्टूडेंट, ये बात पढ़ के आए थे। ये दो रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आते हैं, दो, मीन्स एक्स की जितनी वैल्यूज आती है, नंबर ऑफ जीरोज, ये आप पढ़ के आए कि उतने उसके रूट्स होंगे, तो इसके कितने रूट है, दो वैल्यूज आएंगी इसकी, दो रूट आगे, ओके। अब दो कैसे आई, एक बार तो ये पॉजिटिव है कंप्लीट, एक बार ये यहाँ पे सिंबल चेंज करके क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो मैंने इकट्ठा ही कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव आप दो भी लिख सकते हैं, एक यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू, ये जो चीज है स्टूडेंट आप पढ़ के आए हैं क्लास 10th के अंदर। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, हम क्या करते थे 10th क्लास के अंदर, इसको बोलते थे डी, डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, अगर डी लेस देन जीरो आए तो हम क्या कह देते, तो नॉट रियल रूट्स, बस ये बात कह के छोड़ देते थे। बट यहाँ जो 11th क्लास है वहीं से स्टार्ट होते जहां पे आप छोड़ के आए थे, नॉट रियल रूट्स। अब हमारे जो आएंगे वो लग सारी की सारी एक्सरसाइज किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी वो सारी के सारे, उनमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन जीरो, मीन से यहाँ पे क्या होगा, अब बाई चांस मैं कंप्लीट इस फॉर्मूले को बना रहा हूं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट फोर, माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, चलो माइनस कॉमन लेना सिखा देता हूं, अगर यहाँ पे ए माइनस बी है इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, ऑलवेज स्टूडेंट ये बात दिमाग में रखनी, कभी भी कहीं से भी माइनस कॉमन लें आप तो यहां से क्या होगा, माइनस कॉमन लेके और उन दोनों को चेंज कर देंगे, a माइनस बी है तो b माइनस एक्स माइनस वाई है तो यहाँ क्या हो जाता है, y माइनस एक्स हो जाएगा। अब माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस बी प्लस ए सेम थिंग होगी, ओके। तो यहाँ पे क्या होगी, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर नेक्स्ट अपॉन टू ए। अब मैंने आपको बताया कि अंडर रूट के अंदर माइनस टू है, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर अंडर रूट माइनस वन इंटू रूट टू, रूट माइनस वन क्या होता है आयता, तो इसको लिख देते हैं रूट टू आयता, तो हमेशा ऑलवेज कभी भी रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, रूट माइनस वन को क्या कह देंगे हम, आयता बोल देंगे, तो रूट माइनस वन हटा के सीधा क्या कर देंगे, आयता, आयता रूट से बाहर आता है, ये चीजें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इसको लिख दिया हमने एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर आयता अपॉन में टू ए। तो स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर होगी होगी कि कैसे आयता आएगा, क्लियर, और उसमें भी क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर आयता अपॉन में टू ए। आयता किसके साथ आया है,
इस के साथ, इस काम के साथ में, क्लियर। तो अब ये कहीं कि सर एक चीज और बताओ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखे, कैसे -b/2a रियल प्लस इसके अपॉन में 2a और आ जाएगा, राइट आगे साथ है तो क्या आ जाएगा इमेजिनरी। तो स्टूडेंट ये चीज क्लियर, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक्सरसाइज 5.2, फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां से इसके रूट फाइंड करने हैं, दो रूट होंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3। एक्स की वैल्यू जब स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस तो रूट के बाहर आएगा ही आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -3। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया है अभी अभी कि √3 आयोटा लिखेंगे इसको, तो इसके दो रूट आगे, एक एक्स इज इक्वल टू √3 आयोटा, एक आगे एक्स इज इक्वल टू -√3 आयोटा, क्लियर। तो ये रूट फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं कौन सा करें, रूट वाला कर लेते हैं, सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवंथ में क्या है, √2x² प्लस एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे इसके कोफिशिएंट क्या क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अभी लिखी थी, ax² प्लस bx + c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, a इज इक्वल टू एक्स √2, b इज इक्वल टू क्या 1, और c इज इक्वल टू क्या है √2। अब फॉर्मूला निकाल, -b + -√2b² - 4ac/2। अब आप कहेंगे सर आप वो आयटा वाला क्यों नहीं लगा रहे, अभी हमने चेक करके देखा ही नहीं है कि ये इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं फिर बाद में कॉमन ले लेंगे, जो मैंने करके दिखा था वही चीज इसमें करेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, बी की वैल्यू क्या, 1 का स्क्वायर 1, -4 × √2 × √2। स्टूडेंट ये चीज क्लियर होगी, होगी आपको, अपॉन में 2√2, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 - √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, तो 4 2 का क्या हो गया 8, अपॉन में 2√2। अब बात आई 1 - 8 - 7, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7/2√2, क्लियर। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस -√7 आएगा अपॉन में 2√2। तो ये चीज आपको क्लियर होगी होगी, इसको चाहो तो अलग अलग कर लें, इसमें और भी कुछ चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं क्या, कि √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, √2 से डिवाइड करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम पीछे आंसर चेक कर लेते हैं कि पीछे आंसर यही है या नहीं है, जो एक्सरसाइज कौन सी है, फिफ्थ फिफ्थ एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज का -1 प्लस -√7 आयटा/2√2, यही आंसर है। तो स्टूडेंट चाहो तो दोनों अलग अलग रूट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव करके भी आप कर सकते हैं, तो कंप्लीट एक्सरसाइज में यही काम करना है, क्लियर। तो जो 10th नंबर क्वेश्चन है सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है, अगर हम √2 10th क्वेश्चन के अंदर एलसीएम ले लें तो √2x² + x + √2 इज इक्वल टू, उस साइड जाके अपॉन में √2 है तो डिनोमिनेटर को साइड ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7th बन जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, देखिए एक्सरसाइज मिसलेनियस, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज क्या है,
कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आइटा रेज टू पावर 18 प्लस 1 बाई आइटा होल पावर 25 होल क्यूब। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, देखिए देखिए, अब इसको हमें क्या करना, इवेल्युएट करना, मीन सिंप्लीफाई करना है। कैसे होगा सिंप्लीफाई? ये चीजें पावर्स कितनी भी हो, मैंने सिखाया हुआ, क्या करना है कि आइटा स्क्वायर रेज टू पावर 9। क्लियर? अब 1 की पावर 25, जैसे ए बाई बी की पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर 5 अपॉन बी रेज टू पावर 5। क्लियर? तो 1 रेज टू पावर 25 तो 1 आ गया, आइटा रेज टू पावर 25 है, तो 25 को लिख दिया मैंने आइटा स्क्वायर रेज टू पावर 12 इनटू आइटा। ये फिर मैं आप वापिस रिपीट कर दूं, अगर पावर ओड है, आइटा रेज टू पावर क्या था 25, तो 25 को मैंने किया 12 इनटू 12, पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई 24 इनटू 1। अगर ओड है तो रिमाइंडर 1 बचेगा, अगर इवन है तो रिमाइंडर 1 नहीं बचेगा, इनटू आइटा नहीं आएगा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको करा के आया हूँ। क्लियर? आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 रेज टू पावर 9 प्लस 1 बाई -1 रेज टू पावर 12 इंटू आइटा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर -1 की पावर ओड नंबर्स है तो क्या आ जाएगा, माइनस। अगर इवन पावर है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट, जस्ट सिंप्लीफाई किया है। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया तो क्या आ गया, आयटा एलसीएम आ गया, तो -1 होल क्यूब। तो ये चीज क्लियर, ठीक है? अब क्या करें, इसके होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, 1 - i² / 3 / i³। तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आता है a³। फॉर्मूला में लिख देता हूं, a - b³ (a³ - b³) + 3ab² - 3ab² b। स्टूडेंट इसको, आपको कोई कंफ्यूजन है फॉर्मूला लर्न करने में, तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, बहुत इजी मेथड है। आपको ये देखना है दोनों में से नेगेटिव साइन किसके पास है, बी के। अब बी की पावर जहां पे ओड है वहां पे माइनस साइन लगा दीजिए, और जहां पे इवन है वो पॉजिटिव रहेगा, बी पे, बी के आगे नेगेटिव है, तो बी की ओड पावर है तो माइनस आ गया, बी की इवन पावर है तो प्लस है, बी की ओड पावर है तो माइनस है। हमेशा याद रखे, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि माइनस कहाँ आएगा या प्लस कहाँ आएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं। क्लियर? तो आइटा क्यूब + 3ab² (a) और b² - 3a² (b) अपॉन में आयता क्यूब माइनस आयता, 1 आयता क्यूब - आयता, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आयता। आयता स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 - 3 - 3 आयता अपॉन में माइनस आयता। यहां से क्या आया, -3 + 1 क्या हो गया, -2, और -3 आयता + आयता - 2 आयता - आयता। ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लिया, कैंसिल कर दिया, तो 2 + 2 आयता / आयता। अब डिनोमिनेटर में आयता नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे, आयता से मल्टीप्लाई कर दिया, आयता से क्या कर दिया, डिवाइड। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, 2 + 2 आयता + 2 आयता² 2 आयता + 2 आयता² / आयता² 2 आयता, आयता स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -2 / -1। ये माइनस ऊपर जाएगा तो -2 आयता + 2, तो 2 - 2 आयता, ये आ गया हमारा आंसर। तो मिसलेनियस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं, यही है क्या, 2 - 2 आयता। तो स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर होगी होगी कि हमने क्या किया है। फिर मैं एक बार वापिस रिपीट कर देता हूं,
देखिए ये क्वेश्चन था आइटा रेज टू पावर 18, हमने क्या किया स्क्वायर रेज टू पावर 9 कर दिया, 25 था तो स्क्वायर 12 इनटू आइटा, फिर हमने आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, सिंपलीफाई किया, होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया और डिनोमिनेटर में आइटा आ गया, फिर हमने उसको क्या कर दिया रैशनलाइज, रैशनलाइज करके क्या किया हमने सिंपलीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये चीज आपको क्लियर होगी अभी। तो नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।